इंडियन डांस डांस जो हमने देखा है ऐसा आर्ट फॉर्म है जो हमारी बॉडी को एज ए कम्युनिकेशन मीडियम यूज करता है, हमारे इमोशंस और जो हमें कन्वे करना है तो हमारी बॉडी को एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करता है। जो इंडियन डांस है वो उसका हेरिटेज है वो बहुत ही 5000 साल पुराना है। जो डांस है वो डिवाइन ओरिजिन का पहले हमारे जो टेम्पल्स थे उसमें जो रिचुअल्स होते थे उसके उसके रिलेटेड डांस स्टार्ट हुआ था। तो डांस का जो ओरिजिन है वो टेम्पल से कनेक्टेड था इंडिया में। यहाँ पे जो डांस का जो ओरिजिन है वो डिवाइन इसलिए बोल सकते हैं कि ऐसी एक माइथोलॉजी है कि ब्रह्मा ने फिफ्थ जो वेद है नाट्य वेद वो क्रिएट किया था, तो इसकी वजह से इसको विदिन ओरिजिन का माना जाता है। जो चार वेद थे उसके सारे जो अच्छे अच्छे पार्ट्स थे उसको कंबाइन करके एक फिफ्थ नाट्य वेद उसकी रचना की थी। सबसे जो हमारे एंशियंट एविडेंसेस है डांस के वो अजंता एलोरा में कुछ पेंटिंग्स है जो डांस हमने फिर खजुराहो और ये सारे जो स्कल्पचर्स है उसके तो उसमें जो डांस की अलग अलग मुद्राएं हम देख सकते हैं। तो इस वजह से हमें ये पता चलता है कि ये काफी पुराना आर्ट फॉर्म है। नटराज है उसको तो हम ऐसे डांसिंग गॉड रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंडियन डांस का एक बेसिक फिलॉसफी है। जो नाट्य शास्त्र है वहां पे नाट्य शास्त्र जो है वहां पे इंडियन क्लासिकल डांस के जो कुछ फीचर्स दिखाए गए तो जो भी डांस फॉर्म है वो नाट्य शास्त्र के जो फीचर्स है वो डिराइव करता है अपने फॉर्म में तो ही उसको क्लासिकल डांस बोले जाते हैं। पर जो फिफ्थ नाट्य वेद था उसमें चार वेद्स में थे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स लिए गए थे जैसे कि ऋग वेद में से पाठ्य यानी कि वर्ड्स लिए गए, यजुर्वेद में से अभिनय यानी कि जेस्चर्स, सामवेद में से म्यूजिक और अथर्ववेद से इमोशंस यानी कि रस। ये चारों का कॉम्बिनेशन हमें डांस में मिलता है। डांस की जो इंडियन क्लासिकल डांस का हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो एक दो तीन बेसिक एस्पेक्ट्स है उसके बेस ऊपर हम कंपैरिजन्स करते हैं। तो तांडव एंड लास्य ये दोनों इसके बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं। तांडव होता है मस्कुलन यानी कि मस्कुलन फीचर्स होता है जो हम मूवमेंट्स और रिदम ये दोनों से कनेक्ट करते हैं, जबकि लास्य जो होता है उसका भाव ग्रेस इमोशंस एक्सप्रेशन ये सबके साथ रिलेट करता है, ये फेमिनाइन एस्पेक्ट होता है। जो भी डांस फॉर्म होता है उसमें कुछ डांस फॉर्म में ये दोनों बैलेंस में होते हैं, कुछ में कोई एक एस्पेक्ट डोमिनेट करता है। जो नौ रस है हमारे श्रृंगार है करुण है ये सारे जो नौ रस है जिसमें हैप्पीनेस सॉरो कंपैशन वंडर यानी कि अद्भुत रस, एंगर फियर भयानक रस, करेज डिस्गस्ट और पीस यानी कि शांत रस, तो ये नौ रस का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होता है। रस वो होता है कि आप परफॉर्मेंस में वो इमोशंस दिखाते हो तो उससे वो रस जनरेट होता है और जो ऑडियंस आपको देख रही है आपका परफॉर्मेंस देख रही है तो वो रस से आपके साथ कनेक्ट होती है, तो ऑडियंस को वो फीलिंग्स फील करने के लिए रस का इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। तो कोई भी डांस फॉर्म हो उसमें रस और मुद्रा ये दोनों इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं। जो हम हमारे जो क्लासिकल डांस होते हैं उसमें जो म्यूजिक होता है वो बैकग्राउंड में होता है तो जो इमोशंस दिखाने के लिए मेनली मुद्रास का यूज होता है, जो हैंड जेस्टर्स होते हैं। तो फंडामेंटली 108 टाइप की मुद्रास यहाँ पे है। डांस को एक कंप्लीट आर्ट बोला गया है क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक का यूज होता है अभिनय होता है तो एक्टिंग होती है कि ड्रामा का भी एलिमेंट यहाँ पे, स्कल्पचर भी आप देख सकते हो क्योंकि जहाँ पे एक पोज होता है तो वहां पे एक पोजीशन लेके कंक्लूड करते हैं तो वो जो पोज होता है वो स्कल्पचर जैसा ही होता है तो इसलिए स्कल्पचर भी यहाँ पे यूज होता है और उसकी जो एक रिधम तो होती है तो इस वजह से डांस को एक कंप्लीट आर्ट बोला गया है। इंडियन क्लासिकल डांस मेनली आर्ट है। किस आधार पे हम बोलेंगे कि इसको क्लासिकल डांस कहा जाए या नहीं तो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें जो फीचर्स डांस के दिए गए उसमें से ही वो डांस के फीचर्स डिराइव होने चाहिए तो ये बेसिक एलिमेंट है। दूसरा है गुरु शिष्य परंपरा। जो इंडिया के क्लासिकल डांस है उसमें आज भी गुरु शिष्य परंपरा से ही इसका लर्निंग प्रोसेस होता है, तो इवन साउथ इंडिया में जहाँ पे ये ज्यादा डेवलप्ड है
तो वहां पे आज भी गुरु के वहां ही पूरा टाइम यानी कि फुल टाइम यही वही पे रहना होता है, गुरुकुल होता है, तो वहां पे फुल फुल टाइम फुल इसी की ट्रेनिंग होती है। तो इसी वजह से गुरु शिष्य परंपरा का कॉन्सेप्ट अभी भी वहां पे। अगर डीडी भारती पे आप कुछ डॉक्यूमेंटरी जब देखोगे तो कथकली पे बीच में एक डॉक्यूमेंटरी थी, तो पूरा एक दिन उनको सिर्फ इमोशन यानी कि जो उसको एक्सप्रेस करना है तो आइस से कैसे एक्सप्रेस करना है उसकी ही ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे पूरे 7-8 साल तक उनको वही गुरुकुल पे ही रहना है, वहीं पे ही उनकी ट्रेनिंग होती है। तो नॉर्मल एजुकेशन के साथ डांस ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिवली उसकी पढ़ाई करनी होती है, डिफरेंट। और संगीत नाटक एकेडमी जो है हमारी इसकी इंस्टीट्यूशन, तो वो उसको अगर रिकॉग्नाइज करते हैं ये दो फीचर्स पे, तब ये क्लासिकल डांस बोले जाते हैं। सबसे जो 8 क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये 4 साउथ इंडियन से बिलोंग करते हैं। ओडिशी, ओडिशा रीजन से, मणिपुरी, मणिपुर से, कथक है नॉर्दर्न इंडिया से, और सट्टारी है वो आसाम से। तो ये मेन 8 डांस है। सट्टारी है वो 2000 में ही रिकॉग्नाइज हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम। सबसे पुराना डांस फॉर्म है इंडिया का। साउथ इंडियन जो कल्चर है उसमें डांस क्यों इतने अच्छे से डेवलप हुए थे, या फिर उसका जो एंशियंट जैसा फॉर्म था वैसे क्यों बना रहा, उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस है। जैसा कि हमने आर्किटेक्चर के टाइम पे भी देखा था कि साउथ इंडिया में जो टेम्पल है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे काम करता था। तो अगर टेम्पल किसी भी आर्ट फॉर्म को पेट्रोनेज करता है वहां पे, तो उसकी जो कैपेसिटी है फाइनेंशियल या फिर उसको पेट्रोनेज करने की, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, वो काफी बड़ी रहती थी। तो इसकी वजह से साउथ इंडिया में जो टेम्पल थे वो वहां पे पेट्रोनेज करते थे, इसलिए साउथ इंडियन जो आर्ट फॉर्म्स थे उसके जो डांसेस थे वो जो एंशियंट फॉर्म में थे वैसे ही फॉर्म में अभी तक हम देख सकते हैं। दूसरा एक रीजन था, कथक का भी पहले टेम्पल पेट्रोनेज करता था, लेकिन उसके बाद रॉयल कोर्ट्स उसको पेट्रोनेज करने लगी। तो कभी भी अगर कोई आर्ट फॉर्म टेम्पल पेट्रोनेज करता है तो उसकी जो पायसनेस होती है वो आम पब्लिक जो आम जनता होती है उसमें एक उसके लिए रिस्पेक्ट होती है। लेकिन कभी अगर कोई आर्ट फॉर्म को जो रॉयल कोर्ट या फिर किंग पेट्रोनेज करता है तो उसकी जो पायसनेस है उस पर क्वेश्चन होता है। तो इसी वजह से जो साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म्स थे जो वो जैसे एंशियंट इंडिया में थे वैसे ही अभी तक कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ये इस बेसिक डिफरेंस है क्यों यहाँ पे ज्यादा डेवलप हुआ था। भरतनाट्यम में उसको ओल्डेस्ट बोला जाता है सारे क्लासिकल डांस में। कुछ लोग इसे भरतनाट्यम भी बोलते हैं। इट्स भरतनाट्यम, भ, र और त, ये तीनों का मीनिंग है। भ यानी कि भाव, र यानी कि राग, त यानी कि ताल। तो भाव, राग और ताल ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो डांस बनता है, नाट्यम यानी कि नृत्य, ये जो नृत्य बनता है तो इसको भरतनाट्यम बोलते हैं। यहाँ पे नृत्य यानी कि जो प्योर डांस मूवमेंट्स होती है, रिदमिक मूवमेंट्स होती है उसका, और अभिनय यानी कि एक्सप्रेशन, ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इसको नृत्य प्लस अभिनय, तो इसको नृत्य बोलते हैं। ये देवदासी ट्रेडिशन से इवॉल्व हुआ है। स्टार्टिंग में इसको साबिर के नाम से जाना जाता था, जो ये ग्रुप था ये ऐसे टेम्पल्स में परफॉर्म करता था, तो साबिर। उसके बाद पाशियाट्टम और तांजोर नाट्यम, क्योंकि तांजोर जो कॉर्ड थी उसका उसमें काफी इसका इम्पोर्टेंस था आर्ट और फॉर्म का, तो तांजोर नाट्यम। उसके बाद ये भरतनाट्यम एज ए इवॉल्व हुआ था। ये जब पहले परफॉर्मेंस होता था तब सोलो परफॉर्मेंस भी था, और दो फीमेल्स आर्टिस्ट जो थी वही इसको डोमिनेट करते थे। लेकिन अभी ये ग्रुप डांस भी होते हैं और मेल फीमेल दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। ये कार्नाटिक म्यूजिक पे ही इसका बेस होता है, और जो लैंग्वेज यूज की जाती है लिरिक्स में वो संस्कृत या तमिल होती है। यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो सिल्क साड़ी, जो कांजीवरम साड़ी होता, साड़ी जो होती है उससे ही बना होता है, और उसकी जो प्लेट्स होते हैं वो काफी अलग तरीके से ले जाते हैं, जैसे जिससे इसका है ये फैन बन सके। तो जो भरतनाट्यम का जो एक बेसिक पोस्चर होता है, जो उसकी बेसिक मुद्रा होती है, उसमें नीज बैंड होते हैं, तो उसको अरामंडी बोलते हैं। तो नीज बैंड जब होते हैं तब ये फैन पूरा ओपन होता है, इसकी वजह से इसके कॉस्ट्यूम का पूरा क्रेज आता है। फिर जो सारे ऑर्नामेंट्स है वो भी काफी इसके जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, बैंगल्स, हेड ऑर्नामेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको चंदा, सूरज ये सब भी बोलते हैं।
लेकिन ये इतना डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं। ये सारी जो ज्वेलरीज होती है मोस्टली गोल्ड बेस्ड होती है, क्योंकि कांजीवरम साड़ीज में गोल्ड का काफी यूज होता है। तो ये फायर डांस भी इसको बोलते हैं। फायर डांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो रिदमिक मूवमेंट्स होती है तब फायर फ्लेम मूव कर रही है ऐसा आपको फील होता है, इसलिए इसको फायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसमें जो मैंने जैसे बताया नीज जनरली बेंड होते हैं, उसकी जो पोजेस है उसमें तांडव और लासे यानी कि मस्क्यूलर और फेमिनिन ये दोनों एस्पेक्ट इसमें परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं। तो मस्क्यूलर एस्पेक्ट है तो उसकी जो हैंड मूवमेंट्स या फिर पूरी बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो काफी एक स्ट्रेट लाइंस में होती है, तो इसी वजह से भी इसको फायर डांस बोला जाता है। और इसका लासी एस्पेक्ट भी इतना इम्पोर्टेंट है, तो जो रिदमिक एक मूवमेंट्स होती है डांस का जो नंबर होता है इसके बीच में एक पार्ट आता है जो एक्सप्रेशन का होता है, तो एक्सप्रेशन भी इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिंगिंग का कंसेप्ट नहीं है, यानी कि जो डांस करता है वो सिंगिंग नहीं करता, और सारे आर्ट फॉर्म्स में कहीं में ऐसा है जो सिंगिंग और डांसिंग कंबाइन होता है, कथक में स्पेशल यहाँ पे सिंगिंग कंबाइन नहीं होता। एक चार या लासी अंगा स्टाइल ये काफी एक इम्पोर्टेंट इसका फीचर है, तो इसमें एक ही डांसर अलग अलग रोल्स प्ले करती है, लेकिन जो कृष्णा का है तो वो हाथ में बांसुरी किसे आपको पता चलता है कि अभी ये कृष्णा का कर रही है, उसके बाद राउंड करके फिर दूसरे साइड जाएगी और अपना पोस्चर ऐसे बनाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि राधा है। तो एक ही आर्टिस्ट होती है और वो अलग अलग रोल्स प्ले कर रही है, जैसे द्रौपदी का भी कर रही है, तो द्रौपदी और युधिष्ठिर ये दोनों कंबाइन एक ही आर्टिस्ट परफॉर्म करती है। इसमें जो आर्टिस्ट है मेन चिन्नैया पुन्नैया बड़ी बेलो और शिवानंद ये चार इनके मेन गुरु थे, और बाद में ये जो आर्ट फॉर्म था वो पहले मतलब काफी टाइम तक चला था, उसके बाद मिडेबल टाइम पीरियड ऐसा आया था 16 जिसमें ये इतना परफॉर्म नहीं किया जाता था, क्योंकि फिर टेम्पल्स की इतनी अथॉरिटी नहीं रही थी तो इसको भी फिर रॉयल पेट्रोनेज मिलना स्टार्ट हो गया था, तो इसकी वजह से इसकी जो पायसनेस थी वो कम हो गई थी, तो देवदासी को इतनी अच्छी तरीके से नहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, तो ये ट्रेडिशन काफी कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसमें रुक्मिणी अरुंदे ये जो आर्टिस्ट थी इन्होंने इसको रिवाइव किया था, तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इन्होंने एस्टेब्लिश की थी कला क्षेत्र अकेडमी जो आज भी इंडिया की बहुत अच्छी अकेडमी है उसमें से एक है। और जो भरतनाट्यम और कथक दोनों में घुंघरू का यूज होता है, लेकिन दोनों में घुंघरू अलग टाइप के होते हैं, इसमें एक वेलवेट जैसे मटेरियल का पैड होता है उसके ऊपर घुंघरू यानी कि उसकी जो बेल्स है वो स्टिच की जाती है, जबकि कथक का जो घुंघरू है वो पूरा एक ही लाइन का होता है, उसको ऐसे राउंड करके ऐसे टाई करना होता है। यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह जो रिसेंट अभी आर्टिस्ट अच्छे कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश के रीजन से बिलोंग करता है, एक गांव का नाम था कुचिपुड़ी, और वहां के जो आर्टिस्ट थे वो ग्रुप में ऐसे अलग अलग जगह पे जाके परफॉर्म करते थे जिसको भगवत हरू भी बोलते थे, तो ऐसे ही कुचिपुड़ी स्टाइल का इवोल्यूशन हुआ था। भरतनाट्यम का बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में नहीं पता होगा तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम आपको कॉस्ट्यूम्स और रिदमिक पैटर्न से काफी सिमिलर भी लगेंगे। कॉस्ट्यूम्स में हम काफी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ एक पीछे कॉस्ट्यूम एक कच्चा होता है, तो वो कुचिपुड़ी में एक डिफरेंट फीचर है। जो इसकी थीम थी वो पहले भगवत पुराण जो था उसके बेस पर ही थी, तो विष्णु के जो सारे अवतार्स है दशा अवतार है या फिर राधा कृष्ण ये सारे थीम्स पे ही बेस हुआ करती थी, लेकिन जैसे फिर उसका इवोल्यूशन हुआ तो उसकी थीम्स में भी थोड़ा चेंज आया था, उसके बाद ये सेक्युलर या फिर और माइथोलॉजी पे बिलोंग करने लगी। यहाँ पे एक अलग से फीचर है तरंगम, तरंगम में डांसर है वो अपने हाथ पे दिया लेती है फिर हेड पे एक वेसल रखती है और प्लेट के ऊपर डांस करती है, तो उसको तरंगम बोलते हैं। तो तरंगम डांस इज द यूनिक फीचर ऑफ कुचिपुड़ी। यहाँ पे भी कर्नाटिक म्यूजिक यूज होता है और कॉस्ट्यूम से मोस्टली सिमिलर होता है, कॉस्ट्यूम्स ऑर्नामेंट्स मोस्टली सिमिलर विद भरतनाट्यम। ये जैसे मैंने बताया कॉस्ट्यूम में एक कच्चम यानी कि एक लॉन्ग फोल्ड होता है वो यूज होता है, तो वो कुचिपुड़ी का एक अलग से फीचर है। इसमें डांसर है वो सिंगर का रोल भी प्ले करती है, यानी कि थोड़ा बहुत कंपोजिशन वो खुद सिंग करती है।
यहाँ पे स्पीच का भी यूज होता है, जो भी कैरेक्टर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक छोटी सी कंपोजिशन प्ले करता है, तो उसमें डायलॉग्स का भी यूज होता है। एक और यूनिक फीचर है ताल चित्र नाट्य, तो इसमें डांसर्स है वो डांस करते करते पेंटिंग बनाती है फ्लोर पे, तो उसको ताल चित्र बोलते हैं, तो ये एक अलग से है। और एक मंडूक शब्दम, ये जो कंपोजिशन है वो सिर्फ कुचिपुड़ी में यूज की जाती है, उसमें एक फ्रॉग की स्टोरी दिखाई जाती है। शब्दम यानी कि किसी स्टोरी को कहना, तो यहाँ पे फ्रॉग की स्टोरी को ये दिखाते हैं। लास्य और तांडव दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे बैलेंस्ड है। यहाँ पे जो मेन आर्टिस्ट है राजा एंड राधा रेड्डी और इस्थर शर्मन, शी इज नॉट इंडियन, और इंद्रानी रहमान, ये सारे आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट है। कथकली, इसको बैले ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, ये केरला से ओरिजिन करता है। कथा प्लस कली, कथा यानी कि स्टोरी, केली यानी कि ड्रामा, तो ये मीन डांस ड्रामा है। यहाँ पे इसकी जो थीम होती है वो मेनली माइथोलॉजिकल होती है, तो जनरली गॉड और एविल के बीच में ये फाइट दिखाते हैं, तो यहाँ पे वॉर सीन्स ही ज्यादा होते हैं, जो बैटल्स है वो सारी दिखाई जाती है। केरला जैसे कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे शाक्त संप्रदाय का काफी एक इन्फ्लुएंस है, तो स्टोरीज ऐसे सिलेक्ट की जाती है जिसमें भद्रकाली और असुर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट ये सब ज्यादा दिखाए जाते हैं। तो माइथोलॉजी में से भी जो स्टोरीज शाक्त संप्रदाय से ज्यादा रिलेट करती है वैसी स्टोरीज यहाँ पे ज्यादा दिखाई जाती है। यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉस्ट्यूम्स काफी हैवी होते हैं, तो इतने हैवी और इसका ग्रेस होता है, लेकिन इतने हैवी कॉस्ट्यूम के साथ जंप करना या फिर ऐसी फास्ट डांस मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो पार्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और एक्सप्रेशन भी इसका उनके मेकअप का एक अलग से इन्फ्लुएंस होता है, और उनकी आईज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आईज एंड आईब्रोज, तो जो भी उनको एक्सप्रेस करना है वो अपनी आईज और आईब्रोज से सारे इमोशंस वो एक्सप्रेस करते हैं, तो इसी वजह से मेकअप से उनकी आईज जो है उसे काफी बड़ी बनाई जाती है, जिससे वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और कम्युनिकेट कर पाए जो उनको पता ना है। यहाँ पे जो मेकअप है उसका अलग अलग मीनिंग होता है। अगर ग्रीन कलर का मेकअप किया गया है, सिर्फ ग्रीन कलर, तो वो नॉबल यानी कि गॉड जैसे जो कैरेक्टर्स है वो दिखाए जाते हैं। ग्रीन में फिर थोड़े रेड कलर का यूज किया गया अराउंड नोज, तो फिर वो जो रॉयल पीपल है जिसमें थोड़ी नेगेटिविटी भी है लेकिन ओवरऑल दे आर पॉजिटिव पीपल, तो उनको दिखाए जाते हैं। और जो ब्लैक या फिर कम्प्लीटली रेड, ये सारे एविल कैरेक्टर्स होते हैं, तो मेकअप से आपको आइडिया आता है कि ये कैरेक्टर है वो किस टाइप का है। और जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उसपे येलो कलर का मेकअप का यूज किया जाता है। जनरली जो मेल आर्टिस्ट होते हैं वही फीमेल का रोल प्ले करते हैं। इसमें पांच एस्पेक्ट होते हैं, नृत्यम यानी कि डांस, फिर नृत्यम यानी कि एक्टमेंट, फिर गीता यानी कि वोकल, एंड वाद्यम यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स। ये पांच स्टेज में ये अलग से होता है। इसका जो परफॉर्मेंस का स्टाइल है वो लेट नाइट स्टार्ट होता है, अराउंड 10-11 स्टार्ट होता है, और सुबह अराउंड 4-5 जब डॉन होता है तब ये कंक्लूड होता है, तो ये पूरी रात चलते हैं। यहाँ पे कार्नाटिक म्यूजिक का यूज होता है और मणिप्रवलम लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है उसके सॉन्ग्स में। इसके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी काफी ब्राइट कलर्स एंड एलाबरेटिव होता है। इसका भी ओरिजिन है वो टेंपल से बिलोंग करता है, और जनरली ये ओपन एयर में परफॉर्म किया जाता है, तो ओपन एयर में स्टेज बनाते हैं। और दूसरी एक बात ही ब्रास लैम्प, बिकॉज ये रात को प्ले किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था, तो इसकी वजह से स्टेज पे ब्रास लैम्प रखते थे, तो जिसकी वजह से लाइटनिंग में एक्सप्रेशन को अच्छे से देख पाओ। लेकिन उसके बाद अभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी ये ब्रास लैम्प एज ए ट्रेडिशन कंटिन्यूड है इसके परफॉर्मेंस को। जब इसमें कोई भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उसका जो स्टार्टिंग होता है, तो उसमें ड्रम्स की थंडरिंग बहुत टाइम तक चलती है, उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, तो ड्रम्स की थंडरिंग की वजह से एक वॉर सीन्स की जो फीलिंग्स होती है वो ऑडियंस में जनरेट होती है, इसकी वजह से थंडरिंग करते हैं। इसमें जो आर्टिस्ट है कलामंडलम, गोपी कलामंडलम मुरली, कलामंडलम है वो एक अकेडमी है, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट है कलामंडलम है। जैसा कि आप नाम पर से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, इट्स रिलेटेड टू फीमेल आर्टिस्ट,
तो मोहिनी यानी कि जो टेम्परेस्ट होती है, और अट्टम यानी कि डांस। तो ये मोस्टली डन बाय फीमेल आर्टिस्ट, एक्सक्लूसिवली, नॉट मोस्टली, इट्स एक्सक्लूसिवली बाय फीमेल आर्टिस्ट। ये ग्रेसफुल डांस है क्योंकि इसमें जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, लास्य, वो डोमिनेट करता है। यहाँ पे तांडव का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन लास्य का ज्यादा होता है। तो जो एक विमेन की जो ग्रेस होती है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, वो इस पे ये परफॉर्मेंस में डोमिनेट करता है। यहाँ पे भरतनाट्यम और कथकली दोनों का इन्फ्लुएंस है। भरतनाट्यम का इन्फ्लुएंस आप उसके जो रिदमिक पैटर्न है उसमें देख सकते हो, या फिर उसका जो ड्रेसिंग है वो काफी सिमिलर है विद भरतनाट्यम, और उसके जो एक्सप्रेशन या फिर उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, ये सब कथकली के बेस पे होता है। केरला के जितने भी आर्ट फॉर्म्स है, फोक थिएटर, वो भी सारे जो फॉर्म्स है वो कथकली से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। तो कथकली का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है वहां पे। तो यक्षगान भी जो उनका फोक थिएटर है, वो भी कथकली से इन्फ्लुएंस्ड है। तो कथकली एज ए क्लासिकल फॉर्म है, और उसका जो फोक पार्ट है वो यक्षगान है। तो काफी सिमिलैरिटी है दोनों। यहाँ पे जो वोकल होता है उसको चोलू बोलते हैं, और वीणा फ्लूट और इडक्का, ये सारे वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज होता है। मेकअप काफी रियलिस्टिक होता है, सिंपल होता है ड्रेसिंग भरतनाट्यम के जितना, या फिर कुचिपुड़ी के जितना, इसमें एलोबरेटिव कलर्स या फिर ऑर्नामेंट्स का यूज नहीं होता। इसका जो हेयर स्टाइल होती है वो डिफरेंट होती है, उसका जो बन होगा वो साइड में होता है। मोस्टली आइवरी कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी का ही यूज होता है यहाँ पे। इसका जो इनके जो आर्टिस्ट है, माधवी अम्मा एंड चिनम्मा अम्मा। ओडिशी, ओडिशा रीजन से ही बिलोंग करता है। जो खारवेल थी, या फिर उसके फिर अगली जनरेशन, तो उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। तो जनरली नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ये सब में पेट्रोनाइजेशन का कल्चर नहीं मिलता, लेकिन ओडिशा में ये कल्चर मिलता है। वो हमने जब आर्किटेक्चर में ओडिशा के टेम्पल्स देखे थे, तब भी इस बात का जिक्र किया था कि वहाँ पे जो असेंबली हॉल्स है, मंडप का जो एक फीचर है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे भी टेम्पल पेट्रोनेज करते थे और परफॉर्मेंस होते थे इसकी वजह से। यहाँ पे जो थीम है वो मेनली राधा कृष्णा बेस्ड है, क्योंकि गीत गोविंद का यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जगन्नाथ की जो फिलोसॉफी है वो भी यहाँ पे दिखाई जाती है। दशावतार भी काफी वहां पे उदयगिरी के उसमें भी हमने देखे थे, दशावतार के काफी स्कल्पचर्स। सॉरी, दशावतार के भी काफी स्कल्पचर्स मिलते हैं। फिर ये जो पूरी ओडिशी स्कूल थी, इसको तीन पार्ट में हम देख सकते हैं, महारी, नर्तकी एंड गोतीपुआ। जो महारी थी वो देवदासी ट्रेडिशन से इवॉल्व हुई थी, जिसको टेम्पल पेट्रोनेज करता था। नर्तकी थी वो रॉयल कोर्ट से जिसको पेट्रोनेज मिलता था वैसे इवॉल्व हुई थी। और गोतीपुआ ये यंग बॉयज थे जो फीमेल आर्टिस्ट के तौर पे रोल प्ले करते थे, तो ये एक अलग से ट्रेडिशन थी। तो तीन तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। इसके जो मेन फीचर्स है वो त्रिपंक, यानी कि पूरी जो बॉडी है उसको तीन पार्ट में ये डिवाइड करते हैं, हेड जो मिडल पार्ट और लोअर पार्ट, हेड चेस्ट है, तो उसकी अलग अलग मूवमेंट होती है, तो इसको त्रिभंग बोलते हैं। फिर चौका का भी यहाँ पे यूज होता है, जो बेसिकली स्क्वायर स्टैंड्स है। यहाँ पे जो म्यूजिक यूज होता है वो ओडिशी म्यूजिक होता है, और यहाँ पे मुद्रास और एक्सप्रेशन काफी भरतनाट्यम से सिमिलर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मुद्रास है, और उसके जो एक्सप्रेशन का तरीका है वो भरतनाट्यम से काफी सिमिलर है। यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम है वो उसमें ओडिशी का जो कल्चर है वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे जो कलर्स यूज होते हैं वो दैट इज रेड, ग्रीन, ऑरेंज जैसे जो ब्राइट कलर्स है उनका ही ज्यादा यूज होता है। और जो उनके ऑर्नामेंट्स है उसमें भी ये हेड गियर काफी डिफरेंट है, जो सिर्फ ओडिशी में देख सकते हैं। तो जगन्नाथ फिलोसॉफी से जो उनकी ट्रेडिशन या कस्टम्स इवॉल्व हुए थे उसका हम फीचर यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी जो इयररिंग्स होती है वो काफी ऐसे बेल शेप्ड, जो एक वहां का होता है शेप, वो देख सकते हैं, बेल शेप्ड इयररिंग्स होती है, और उसको चेन से हैंग करते हैं, तो बड़ी सी इयररिंग्स होती है। फिर ज्वेलरी में एक और कुछ डिफरेंट है, टीका है, फिर अलग का जिसको वो हेड गियर जिसको है अलग का बोलते हैं।
जनरली ये ग्रुप डांस होता है, और ग्रुप डांस में ये जब परफॉर्म करते हैं तब ग्रुप में ऐसी मूवमेंट्स करते हैं जैसे एक ज्योमेट्रिक शेप बनता है, मतलब डांस करते करते कुछ लोग आगे जाएंगे कुछ पीछे जाएंगे, तो ऐसे सर्कुलर स्क्वायर ये टाइप के ज्योग्राफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स बनते हैं। एक जो शेप है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वो स्पाइरल शेप है, तो पूरा ग्रुप है वो इस तरह से मूव करेगा, कुछ आगे कुछ पीछे अगेन कुछ आगे, तो पूरा स्पाइरल जैसा शेप क्रिएट होता है। तो ओडिशी और ओडिशी परफॉर्मेंस जो होता है वो जनरली जब कंक्लूड होता है, यानी कि जब वो फिनिश होता है तब एक पोज के साथ वो कंप्लीट करते हैं, मतलब वो एग्जिट नहीं करते, पोज देके वहां पे छोड़ते हैं। तो वो जो पोज होता है वो बहुत ही अच्छा, उसकी परफेक्शन बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी टेंपल में देखोगे तो स्कल्पचर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो ये बिल्कुल स्कल्पचर के जितने परफेक्ट पोजेस में डांस कंक्लूड करते हैं, तो इनको मोबाइल स्कल्पचर भी बोलते हैं डांस को, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये लोग पोज पे कंक्लूड करते हैं। इसकी आर्टिस्ट है सोनल मानसिंह, मणिपुरी, ये मणिपुर स्टेट से ओरिजिन हुई थी। इसका माइथोलॉजिकल बिलीव ये है कि जो अतिशेष नाग था उसका जो मणि था उसकी सेलेस्टियल लाइट पे शिव और पार्वती मणिपुर वैली में डांस करते थे, तो ऐसे ये स्टाइल इवॉल्व हुई है। तो वहाँ पे गांधर्व, यानी कि हम लॉजिकली देखें तो वहाँ पे जो लोकल पीपल होगी उनके साथ ये डांस फॉर्म करते थे, तो ऐसे इवॉल्व हुआ। यहाँ पे आप कॉस्ट्यूम्स देख सकते हैं, काफी डिफरेंट है। तो इनकी जो डांस मूवमेंट्स है उसमें फुटवर्क का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, इसलिए ये मोस्टली ऐसे कवर्ड होता है, तो इसका जो लहंगा है वो काफी डिफरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट उड़नी का यहाँ पे यूज होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्रेशन इतना दिखते नहीं है, और ये जो डांस फॉर्म है इसका जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे एक्सप्रेशन का इतना यूज नहीं है, तो इस वजह से ये जो सारे क्लासिकल डांस है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो थीम होती है वो मेनली राधा कृष्ण बेस्ड ही है, तो मेनली यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट होती है, और जो मेल आर्टिस्ट होते हैं वो काफी कम होते हैं, और मेल आर्टिस्ट का जो कॉस्ट्यूम है वो सैफ्रन कलर का होता है, जो कृष्णा का दिखाने के लिए होता है, तो यहाँ पे राधा कृष्णा ही थीम की ज्यादा दिखती है, कुछ इरोटिक थीम भी मिलती है। यहाँ पे जो फोकस है वो नी और हैंड मूवमेंट्स में ज्यादा है, एक्सप्रेशन पे नहीं है, इसीलिए उसको डेलिकेट ग्रेस देने के लिए कवर की जाती है ऐसे ट्रांसपेरेंट उठनी से, तो एक्सप्रेशन दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जो डांसर्स होते हैं उसके फिट कभी स्ट्राइक नहीं करते, ऐसी फुटवर्क नहीं होती, सिर्फ वो लोग राउंड मूवमेंट्स ही करते हैं, राउंड मूवमेंट्स करते करते पूरे ऐसे सर्कल में ग्रुप घूमता है, तो इसी वजह से ये जो लहंगा का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा बनाया है जो उनके डांस के हिसाब से ज्यादा ग्रेसफुल लगे। जैसे कि हमने देखा फुटवर्क या फिर रिदमिक पैटर्न्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे तांडव जो एस्पेक्ट है, मस्कुलर एस्पेक्ट है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला एस्पेक्ट जो है वही डोमिनेट करता है। यहाँ जो म्यूजिक है वो पोंग, पोंग जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो ड्रम जैसा है, वहाँ का लोकल है, उसका यूज होता है, और फ्लूट और सिंबल्स का यूज होता है। यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम का कुछ टेक्निकलिटी है हमने देखा थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको पटलोई बोलते हैं, और जो लहंगा है उसको क्यूमिन बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है जिसकी वजह से एक ग्रेस अलग से दिखता है। मेल है यूजुअली सैफ्रन ड्रेस है जो कृष्णा को डिपिक्ट करता है। जो डांसर्स है वो बेल्स नहीं पहनते, यानी कि घुंघरू नहीं पहनते, बिकॉज यहाँ पे फुटवर्क का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बेल्स तभी वर्क करते हैं जब आप स्ट्राइक करते हो, तो अगर स्ट्राइक नहीं करनी है तो फिर बेल्स पहनने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे बेल्स का यूज नहीं होता। जो डांस है उसमें जो डांसर है वो अपने बॉडी को एट जैसे फिगर में शेप करने का ट्राई करते हैं, कर्व करने का, तो उसको नागभंग मुद्रा बोलते हैं, वो एक यूनिक फीचर है। यहाँ पे जो थीम है जैसे राधा कृष्ण और लाइफ ऑफ विष्णु, वो इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ये स्टाइल को डेवलप करने के लिए। शांति निकेतन में मणिपुरी स्टाइल को काफी उसके परफॉर्मेंसेस होते थे, और इन्होंने काफी एनकरेज किया था उसके डेवलपमेंट। अंदर वो सट्टारिया फ्रॉम आसाम, ये ट्रेडिशनली जो मेल मॉन्क्स थे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, वो लोग अपने डेली रिचुअल्स के तौर पे इसको परफॉर्म करते थे, तो बाद में जाके ये डांस स्टाइल में फिर इवॉल्व होता है। ये मेल मॉन्क्स है उसको कोकोट्स बोलते हैं।
भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो एक भक्ति सेंट थे शंकर देव जो काफी फेमस है, वहां पे गए थे और उन्होंने काफी इसको प्रमोट किया था। इसमें जो परफॉर्मेंस है वो मेनली माइथोलॉजिकल स्टोरीज है और मैन और वीमेन दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। ये रिसेंटली रिकॉग्नाइज हुआ है, रिसेंटली 2000 में, बाकी सारे जो डांस फॉर्म थे बहुत पहले रिकॉग्नाइज हो चुके थे, तो इसलिए इसको रिसेंट बोला जाता है। इसमें जो डिवोशनल सॉन्ग्स है इसको बोर गीत्स बोलते हैं। और जो फर्स्ट पोजीशन जहाँ से डांस स्टार्ट होता है उसको ऑरा कहते हैं। यहाँ पे तांडव और लास्य दोनों एस्पेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं खोल्स जो ड्रम जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और ताल के लिए सिंबल्स का यूज होता है फ्लूट। कॉस्ट्यूम्स जो है जो वहाँ का जो सिल्क है पट वो यूज होता है यहाँ पे, और जो ऑर्नामेंट्स है वो भी आसामी ट्रेडिशन के ऑर्नामेंट्स यूज होते हैं। कथक द ओनली वन डांस फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, इसका जो नाम है वो कथा यानी कि स्टोरी वहां से इवॉल्व हुआ है। तो इसमें जो स्टोरी है वो स्टोरी टेलिंग का एक टाइप है, तो डांस ड्रामा टाइप। ये नॉर्थ इंडिया जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ये टेंपल इसको पेट्रोनेज करता था, लेकिन उसके बाद रॉयल कोर्ट्स इसको पेट्रोनेज करने लगे। इसमें स्पॉन्टेनिटी बहुत होती है, जैसे कि ऑडियंस में से अगर कुछ स्पॉन्टेनियस कुछ डिमांड आती है तो वो लोग इंस्टेंटली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि जो सदर्न डांस फॉर्म्स है उसमें ऐसी फ्रीडम या फिर ऐसी स्पेस नहीं होती। तो जैसे हमने देखा था कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी एक फ्रीडम होती है स्पेस होती है, वैसे ही इसमें भी एक फ्रीडम और स्पेस है। तो इसकी वजह से इसमें घरानाज भी है, क्योंकि इम्प्रोवाइज करते हैं और इनोवेट करते हैं तो फिर अलग अलग स्टाइल्स इसकी डेवलप होती है। यहाँ पे जो मैंने बताया स्पॉन्टेनिटी का बहुत ज्यादा एक फीचर होता है, तो बिरजू महाराज के परफॉर्मेंस होते तो काफी स्पॉन्टेनिटी का यूज करते हैं। मतलब अगर ऑडियंस में से कुछ डिमांड आती है जैसे कि क्रिकेट पे, तो क्रिकेट पे भी वो डांस मतलब उसकी दिखाने के लिए बॉल की जो रिदम होती है वो दिखाने के लिए भी डांस करके दिखा सकते हैं, तो काफी फ्रीडम है। जबकि अब भरतनाट्यम और सब में अभी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही यूज होती है और कुछ कंटेम्प्रेरी इतना एलिमेंट्स इतना नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पे एक ओपन स्पेस है तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे भी आ सकते हैं। इसमें मेन तीन घराना है लखनऊ, जयपुर एंड बनारस। ये भी भाव राग और ताल पे बेस होता है, और सिंगर्स जो होती डांसर्स जो होती है वो सिंगिंग भी कंबाइन करती है, तो वो खुद ही उसका जो तोड़ा बोलते हैं उसको, जो उसकी सिंगिंग पार्ट है उसको तोड़ा बोलते हैं, तो तोड़ा भी खुद ही गाती है और डांस भी करती है। फुटवर्क पे काफी एम्फेसिस होता है उसका, और स्पिन्स ये सबसे दो इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं कथक के। स्पिन्स इसका इम्पोर्टेंट फीचर है इसलिए इसके कॉस्ट्यूम ऐसे होते हैं जिससे जो स्पिन्स है वो ज्यादा ग्रेसफुल लगे। तो जो फीमेल होती है उसका ओढ़नी या फिर चूड़ीदार कुर्ता ये टाइप का, मेल्स होती है उसमें कई बार चेस्ट वेयर होती है, नीचे धोती होती है, चूड़ीदार कुर्ता ये टाइप के कॉस्ट्यूम्स इसमें यूज होते हैं। जो अनारकली ड्रेसेस है वो कंसेप्ट भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है कथक के ट्रेडिशन से। जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो जुगलबंदी, जो डांसर होती है और तबला आर्टिस्ट होता है उसके बीच में एक जुगलबंदी होती है, वो जो बीट बजाएगा वैसे डांस करे, तो ऐसे स्लो फास्ट ऐसी जुगलबंदी होती है और उसमें सिंगिंग पार्ट नहीं होता सिर्फ डांस होता है, तो वो काफी एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है। बेसिकली ये सोलो परफॉर्मेंस होता है लेकिन कई बार ये ग्रुप परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं। इसमें जो मेन आर्टिस्ट है वो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। कई बार जो कथक होता है वो गद भाव बोलते हैं, उसमें सिंगिंग पार्ट का यूज नहीं होता तो उसको गद भाव बोलते हैं। फोक डांस सारे तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी लेकिन छाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेंस में ये डायरेक्टली छाव पे क्वेश्चन भी आ सकता है इसलिए मैंने छाव को कवर किया। छाव है वो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, और हो सकता है अगर थोड़ा और डेवलपमेंटल फीचर्स इसमें दिखे तो फिर एज ए क्लासिकल डांस भी उसको स्टेटस मिलने के चांसेस है, क्योंकि काफी पुराना एक आर्ट फॉर्म है ये। छाव यानी कि शेडो, तो ये मास्क डांस है, मास्क पहन के इसको डांस करता है। तो जो अलग अलग माइथोलॉजिकल हमारी स्टोरीज होती है उसके ऊपर ही परफॉर्मेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग मास्क बनाए जाते हैं। मास्क होते हैं उसकी साइज काफी बड़ी होती है। ये जो पूरा आर्ट फॉर्म है इसको फर्दर तीन उसकी सब स्टाइल्स मिलती है अलग अलग रीजन के तौर पे,
और ये जो परफॉर्मेंस होता है वो चैत्र के टाइम पे होता है। तो बेसिकली ये डांस ड्रामा टाइप का कल्चर है, और चैत्र के जो टाइम होता है यानी मार्च अप्रैल के अराउंड का, वहाँ पे उस टाइम पे ये परफॉर्म होता है। मेनली इसकी तीन स्टाइल्स है, सरायकेला, पुरुलिया छाव और मयूरभंज छाव। सरायकेला है वो झारखंड के अराउंड के एरिया में डेवलप्ड, पुरुलिया है वो बंगाल रीजन। पुरुलिया काफी उसका हिस्टोरिकल भी हमें देखा है सिग्निफिकेंस। मयूरभंज छाव है उसमें मास्क यूज नहीं होते, तो ये एक अलग से उसका फीचर है। यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक का यूज होता है बैकग्राउंड में, और मार्शल मूवमेंट्स भी होते हैं। इंडिया के जो मार्शल डांस है, आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्शल डांस ऑफ इंडिया, तो आप छाव छाव में मार्शल मूवमेंट्स ऐसा लिख सकते हो, मार्शल डांस नहीं है। पुरुलिया छाव है वो सबसे पुराना माना जाता है इसमें। ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे है, वहाँ से बिलोंग करता है। ये जनरली एक ओपन स्पेस या ऐसे ग्राउंड फील्ड पे ही परफॉर्म होता है। ये मेल डांस के परफॉर्म करते हैं इसको, और जो फीमेल कैरेक्टर है वो इसके मास्क से मेल आर्टिस्ट है वही परफॉर्म करते हैं। मोस्टली माइथोलॉजिकल स्टोरीज है और रामायण महाभारत के जो एपिक्स है उसके एपिसोड्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो सिंगर होता है वो जो इन्वोकेशन होता है सॉन्ग का वो कंप्लीट करता है, और जो ड्रमर्स और म्यूजिशियंस होता है वो ढोल और तमशा से स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने बताया मार्शल डांस पे अलग से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इतने तीन चार मार्शल डांस है इंडिया में। छाव का आप लिख सकते हैं मार्शल मूवमेंट्स वहाँ पे है। गटका है वो पंजाब से बिलोंग करता है, निहंग कम्युनिटी जो है जो पहले काफी वॉर्स में एक्टिव थी, तो वो उनका जो कल्चर है वो दिखाता है। तो गटका में मेनली लट्ठी का यूज होता है, तो स्टिक्स और वो सब का यूज करके ये लोग दिखाते हैं। स्वॉर्ड्स का भी कभी यूज करते हैं। थांगटा है वो मणिपुर का मार्शल डांस है, और उसमें स्वॉर्ड्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। तो ये जो कम्युनिटी थी वो भी पहले काफी ऐसे वॉर्स और सपना एक्टिव थी। कलारीपट्टू ये केरला से है, तो पहले जो जब हमारा इंडिपेंडेंट के पहले का जो टाइम था तब ये जो कम्युनिटी थी वो अपने विलेज और ये सबको सिक्योर करने के लिए ऐसे सब में पार्टिसिपेट करती थी। तो वो उनका कल्चर था और उनकी ट्रेनिंग भी काफी लंबे टाइम तक चलती। तो कलारीपट्टू है वो भी मार्शल डांस। पपेट्री जो होता है वो दो तरीके से इवॉल्व होता है। एक तो जो एंटरटेनमेंट के तौर पे, जब एंशियंट इंडिया में एंटरटेनमेंट के इतने हमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तब पपेट्री का स्टार्ट हुआ था। और दूसरा होता है एज ए ट्रेडिशन के कुछ अपने रिचुअल फंक्शंस है, तो उस टाइम पे भी पपेट्री का एक इम्पोर्टेंस होता था। 4000 ईयर्स अराउंड पहले से उसका ओरिजिन हमें मिलता है। संस्कृत प्लेज है, उसमें सूत्रधार की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, दैट इज कॉल्ड होल्डर ऑफ द स्ट्रिंग। तो वहां से हमें पपेट्री का ओरिजिन मिलता है। पपेट्री मेनली फोर टाइप्स की है, स्ट्रिंग, शैडो, ग्लव एंड रोड। जो स्ट्रिंग पपेट्री होती है उसमें बॉडी और लेंस पे स्ट्रिंग अटैच की जाती है, और जो मेन आर्टिस्ट होता है वो उसकी स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करके उसकी जो मूवमेंट होती है वो जनरेट करती है। यहाँ पे जो पपेट्स है मोस्टली वुड वायर ये टाइप के बनाए जाते हैं, क्लोथ से। जो राजस्थानी हम कठपुतली देखते हैं उसमें क्लोथिंग का ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे उसकी जो कंट्रोल है वो जो स्ट्रिंग्स है उसको लूजन करके या फिर उसको मैनिपुलेट करके पूरी उसके मूवमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप के रीजनल वेरिएशन है स्ट्रिंग पपेट्री में। उसमें आंध्र प्रदेश में कोया बमलट्टा, आसाम में पुतला नाच, कर्नाटका सूत्रधार कुंभियट्टा, महाराष्ट्र में कलासूत्री, राजस्थान में कठपुतली, ये सब इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में जो गोपाल लीला है वो गीत गोविंद की जो स्टोरीज है वही उसमें दिखाई जाती है। वेस्ट बंगाल में जो सुतोर पुदुल है वो वेस्ट बंगाल में जो फोक थिएटर फेमस है जात्रा, तो वहां का इन्फ्लुएंस इस पे है। तो जो स्टोरीज है या फिर जो दिखाने का तरीका है वो जात्रा से काफी सेम है। इवन जो पपेट्स बनाते वो उसके कैरेक्टर्स भी जात्रा से सिमिलैरिटी रखते हैं। शेडो पपेट्री यानी कि इसमें जो पपेट है उसका शेडो का यूज करके दिखाया जाता है।
तो जो फिगर्स होती है वो लेदर में से कट करके बनाई जाती है, तो इससे एक शेडो क्रिएट करने में आसानी मिलती है। यहाँ पे जो स्क्रीन होती है उसकी अगेंस्ट में रखते हैं, इसकी वजह से जो लाइट्स एंड डार्क का जो साइंस है उसको यूज करके शेडो पपेट्री क्रिएट की जा सकती है। ये ज्यादातर उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश ये सारे रीजन में मिलती है। दो तीन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम्पल देना है आंसर में तो फिर इसका आप जिक्र कर सकते हो। थोलू बॉमलट्टा आंध्र प्रदेश में, वो काफी फेमस है। इसमें जो पपेट होते हैं वो बहुत ही बड़ी साइज की होती है और उसकी जो वेस्ट होती है जॉइंट होती है। और रावण छाया उड़ीसा का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें रामायण के जो सारे सीन्स है उसको डिपिक्ट करते हैं और ये जनरली छोटे पपेट्स होते हैं। और यहाँ पे पपेट्स बनाने में डियर स्किन का काफी यूज होता था। ग्लो पपेट्री, यहाँ पे जो उसका हेड होता है वो अगर आपने कई बार जो कॉमेडी शोज आते हैं उसमें ग्लो पपेट्री देखा तो यहाँ पे डायलॉग काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डायलॉग के हिसाब से उसकी लिप मूवमेंट्स करवानी होती है, तो इसलिए डायलॉग है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ये उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और केरला ये सब में एक यहाँ पे ज्यादा इसका डेवलपमेंट देख सकते हैं। जनरली ये इस टाइप की स्टोरीज लेते हैं जिसमें कुछ लोगों को हंसाने की आपको एक चांस मिलता है, तो वैसी स्टोरीज यहाँ पे यूज की जाती है। रोड पपेट्री, यहाँ पे बेसिकली ग्लव पपेट्स है लेकिन रोड का यूज करके उसकी साइज उसे सबसे मैनिपुलेट करते हैं, तो ये लार्जर होती है और वेस्ट बंगाल और ओडिशा में इसका डेवलपमेंट। पुतुल नाच है, वो भी रोड पपेट का ही टाइप है, तो पुतुल नाच में बहुत ही बड़े पपेट्स होते हैं उसके नीचे रोड्स रखते हैं, तो इसकी वजह से रोड्स को घुमाने से उसकी मूवमेंट मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा वेस्ट बंगाल में है तो फिर जात्रा थिएटर का इस पे इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं।